तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं द बेबी पैंथर राइडर। यार गाइस, आप सोच रहे थे कि काफ़ी दिन से हो गए हम पठानकोट में घूमे जा रहे हैं, कहीं दूर नहीं जा रहे। तो गाइस, आज की राइड हम यहीं पे शुरू कर रहे हैं और देख सकते हैं कि हमें पेट्रोल पंप पे और हमने फ्यूल वगैरह करवा लिया। तो गाइस अभी निकलते हैं, हम हैं अभी डमटाल पहुंचे हैं। तो आज का हमारा जो जर्नी है वो है जलंधर साइड। तो देखेंगे अगर जलंधर में हमें कुछ काम है, तो अगर जलंधर में हम कहीं रुक गए तो फिर नकोदर शायद हुआ है। तो गाइस अपनी बाइक देखो, खतरनाक। और गाइस निकलते हैं अभी यहाँ से। गाइस आप देख सकते हैं कि काफी ब्यूटीफुल नजारा है इस वाले पुल का, और इस वाले पुल पे हमने कभी शायद शूट किया नहीं है, तो सोचा जरा आज कर लेते हैं। और बाइक देख सकते हैं कि बिना शीशों के कैसी लग रही है। तो काफ़ी ठंड कल थी, कल तो बारिश भी पड़ रही थी, पर आज जो है धूप निकली हुई है, तो इसीलिए हम आज घूमने के लिए निकले हैं। क्योंकि आप लोगों को पता कि घूमने के अलावा और कोई काम तो गाइज है नहीं। तो चलिए गाइज, आपको मिलते हैं अब आगे। तो गाइज कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे जलंधर साइड रोड का। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रोड है और यहाँ पे सुपर बाइक चलाने का काफ़ी मज़ा आता। मैं कैमरा इसलिए ऑन नहीं कर रहा क्योंकि बाइक जो है कम से कम भी 120-30 के आसपास चल रही है, और अगर उस स्पीड पे मैं ब्लॉक करूँगा तो भाई काफ़ी विंड नॉइस आएगी। माइक भी जो है वो नॉइस कैंसलेशन वाला लगा के रखा है, पर गाइस बाइक इतनी ज़्यादा तेज़ मक्खन चल रही ना इस रोड पे, तो क्या बताऊँ आपको। तो गाइस आप भी जो जो मेरी वीडियो देखता है मेरे साथ ड्राइव ज़रूर करना कभी ना कभी। तो अभी गाइस मुकेरिया आने वाला, तो मुकेरिया में देखते हैं अगर कोई अच्छी शॉप मिल गई तो वहाँ चाय वगैरह या कुछ जो भी स्नैक्स मिलेंगे वहाँ पे पी लेंगे और खा लेंगे, नहीं तो फिर मैकडॉनल्ड्स मारेंगे ब्रेक। तो नज़ारा उठाइए गाइस। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं मुकेरियां, और यहाँ पे गाइस आज काफी ज्यादा रश है, पता नहीं क्यों पर रश तो है। मे भी शायद हाँ ट्रैफिक लाइट रेड थी इस वजह से, पर हम आगे भी यहाँ पे आते रहते हैं तो रश तो यहाँ पे काफ़ी होती है, क्योंकि जो मेन हाईवे है वहीं पे मुकेरियाँ है, तो मतलब जो भी है। गाना बजाओ। तो यहाँ पे बस वगैरह का काफ़ी सीन रहता है, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी एक बस मुड़ रही है मे भी जलंधर जाने के लिए। ये बेवकूफ लोग ग्रीन सिग्नल पे भी। रोड क्रॉस कर रहे थे। तो मिलते हैं गाइस अभी हम आपको मैकडॉनल्ड्स। और साथ में आ चुका है गाइस गन्नों का सीजन। यहाँ पर गाइस लग ही नहीं रहा कि कोई ठंड नाम की चीज़ है कि नहीं, पर ऐसा कोई सीन नहीं है, बस दिन में आज धूप चढ़ी है तो इसलिए थोड़ा अच्छा मौसम है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मैकडॉनल्ड्स के आसपास, और आप देख सकते हैं कि मैकडॉनल्ड्स का साइन रह गया है, रह नहीं गया गाइस, मतलब आज चमक नहीं रहा। आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं मैकडॉनल्ड्स और चलते हैं गाइज अंदर। तो आज ना धूप तो चढ़ी थी, पर अभी आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा ख़राब हो गया हुआ, तो हमारे आप शूज़ चेक करते हैं, 80,000 के शूज़ गाइस। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल अंदर जा अंदर गाइस, मुश्किल ये बैठेंगे। और ये हमारे मैकडॉनल्ड्स वाले भैया,
बाहर बैठते हैं और कुछ मंगा लेते हैं खाने पीने। तो गाइस हियर वी आर, अभी आप देख सकते हैं कि पीछे काफी ज्यादा क्राउड है और क्राउड चेक करिए। और ये रहा हमारा दूसरा हेलमेट, तो वीडियो में हम बता नहीं सकते कि हमारे साथ आज कौन आया है, तो आप गेस करके कमेंट करके बताना। तो गाइस क्राउड चेक करिए पीछे, और अभी आपको टाइम लैप्स भी दिखाते हैं कि हमने क्या ऑर्डर किया हुआ। तो गाइस हमारा बर्गर आ चुका है और ये चल रही है स्टोरियां और ये जन्म। तो गाइस अभी इसको खाने के बाद मिलते हैं आपको। गाइस यार आपको एक मैं जादू बताता हूँ, और ये देख सकते हैं आप कॉफी का, तो ये देख सकते हैं आपकी कॉफी का कलर जो है वो हो चुका है चेंज। और तो गाइज यार आपको एक बात बताऊँ, अपना पोपट हो गया बड़ा ख़तरनाक वाला। वो क्या पोपट हुआ कि अभी हम कर रहे थे वाइड पे शूट, और अभी हमने किया सुपर वाइड पे शूट, तो तभी मैं सोच रहा था कि भाई व्यू क्यों तगड़ा नहीं आ रहा। तो अभी गाइज सुपर व्यू पे मिलते हैं और मैकडॉनल्ड्स को करते हैं बाय बाय। तो गाइज आप मुझे बताना कि अभी कैसा व्यू आ रहा है, तो क्योंकि हम पहले वाइड पे शूट कर रहे थे और वाइड पे हमें पता ही नहीं लग रहा था कि भाई बाइक आ क्यों ना रही फ्रेम के बीच में, और अभी पता लगा है कि वो वाइड से सुपर जूम सुपर व्यू भी करना होता है। तो अभी गाइस हमारा लंच हुआ छोटा सा स्नैक्स के साथ और एक एक कॉफ़ी, और यहाँ पे गाइस धूप जो है वो छुप चुकी है और फॉगी एरिया हो चुका है शुरू। गाइज ट्रैफिक चेक करो, कितना ख़तरनाक ट्रैफिक हो गया हुआ भाई। हम 10-15 मिनट से सोच रहे थे कि अभी खुलेगा अभी खुलेगा अभी खुलेगा, पर गाइज अभी तक ट्रैफिक नहीं खुला। और बीच में से निकालें, चलो गाइज फिर बीच में से निकालते हैं। ये बम 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 बम, मजा आता ना बीचों बीच में से निकलते। बस हाँ कोई अपना गाड़ी का दरवाजा ना खोल दे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पता आपको भाई कितना फाइटर रहा। कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं ट्रैफिक को छोड़कर सबसे आगे, और हमारे आगे चल रहा है सरदार जी बिना हेलमेट, क्योंकि इन्होंने डाली है पग और ये नहीं डाल सकते हेलमेट। और भाई ये देखो ड्राइवर, ये तो हे गाइस व्हाट्सअप मैन। तो गाइस काफी मशक्कत के बाद, बारिश के बाद और काफी बाइक चलाने के बाद अपन लोग पहुंच चुके हैं आप देख सकते हैं कि दरगाह पे नकोदर। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ फर्स्ट टाइम, और साथ में अपने साथ एक और बंदा आया है आप देख सकते हैं हमारे पास है डबल हेलमेट। तो उस बंदे का नाम रिवील करेंगे बाद में, क्योंकि आपको कंटेंट देंगे क्यूट गर्ल का। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो अभी गाइस चलते हैं अंदर और माथा वगैरह टेक के आते हैं, तो फिर मिलते हैं आपको बीच में। तो गाइस हियर वी आर दरगाह पे, और अंदर शायद फोन वगैरह अलाउड नहीं है, तो गाइस हम अंदर से हो आते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको। तो गाइज आपने फाउंटेन के सिनेमैटिक्स देखे होंगे, और ये देखिए पीछे थोड़े सिनेमैटिक्स और डाल देंगे।